दोस्तों आपको किसी को गेंदे आ रहा है, गेंदे को देखिए खाते रहते हैं, रहता है का हालत ये हो गया दोस्तों, देखिए पूरा गेंदा जैसा हो गया। तो आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसा लग रहा है मैं बोलिए, आज मैंने अपना नया स्टाइल फॉर्म किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा हो। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपना स्कूल सॉरी अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पर आप लोगों मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ का नज़ारा जो है व्यू है किस कहाँ पर कौन सा रूम है कहाँ पर क्या है कौन क्या करता है सब मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना कभी भी नहीं भूलिएगा। तो देखो आगे बढ़ाइए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है, अगर आप लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। देखिए यहाँ से एंट्री होती है, गेट है, जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ से इस गेट से आपको एंट्री करना है। उसके बाद तो इधर भी साइट है, इधर भी आप जा सकते हैं और ये व्यू है इधर भी, और इधर भी देखिए एक कॉलेज हम लोग का रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी अच्छा से मेंटेन किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बनाते जा रहे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इधर भी हॉल 5 हॉल 6 हॉल 8 12 इधर बहुत हॉल तक है दोस्तों, अगर आप लोग आएंगे तो इधर भी आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए ये जनरल सेक्शन का रूम है, रूम नंबर 12। उसके बाद ये है रजिस्ट्रेशन रूम, रूम नंबर 13। उसके बाद आप देख सकते हैं ये अकाउंट सेक्शन यानी कि कॉमर्स लोग का कुछ प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। ये गुरु पहले तो गुवाहाटी, देखिए अभी भी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का साइन बोर्ड लगा हुआ है, पहले ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रूम, ये एकेडमिक रजिस्टर है। उसके बाद ये एग्जामिनेशन ऑन ब्रांच करके बहुत ही भरा है हम लोग का कुछ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये देखिए। तो इधर भी आप लोग जा सकते हैं दोस्तों, और मैं अभी इधर आप लोग लेके के जाऊँगा। चलिए तो दोस्तों मैं आपको यहाँ का गार्डन भी दिखाऊंगा, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ना इस प्लांट का, आप देख सकते हैं इधर देखिए। इधर से आप लोग सीधा भी जा सकते हैं, और इधर का व्यू जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को कभी भूख लगे क्लास करते करते तो आप लोग कैंटीन भी जा सकते हैं, मैं आप लोग कैंटीन दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओजाई कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी, ये बोटनी जो साइंस लेके बोटानी लेते हैं ना उन लोग का डिपार्टमेंट इधर है। तो दोस्तों उस क्लास वहाँ पर जो देख रहे हूँ जो बेम्बो से उसमें इंग्लिश हो या EVS वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और इधर टीचर स्टाफ लोग का बाइक साइक पार्किंग होता है यहाँ पर, और कैंटीन है इधर, आप मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा रुकिए। और दोस्तों अगर आप लोग जिम करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए फिटनेस सेंटर हो जाए कॉलेज, और मॉडर्न स्पोर्ट इक्विपमेंट फॉर जिम
काइंडनेस जिम्स अंडर RUSA प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ पर अभी भी होजाई कॉलेज का साइन लगा हुआ है, क्योंकि पहले तो होजाई कॉलेज था ना, अब यूनिवर्सिटी। ये देखिए दोस्तों ये कैंटीन, इधर से आप लोग आएंगे तो इधर ये एंट्री गेट है, अभी तक बंद है। अब सुबह इतना जल्दी नहीं खुलता है, थोड़ा रुकना पड़ेगा क्लास होने के बाद। उसके बाद दोस्तों आप लोग फिर से इधर होके ये देखिए। अगर दोस्तों आप लोग किसी से कोई आपको पूछे अगर होजाई कॉलेज कब इस्टाब्लिश हुआ था, तो वहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से दिखा, मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीका से दिया हुआ है, देखिए 1964, तो आप लोग ये भी बोल सकेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा गार्डन लग रहा है ना, आप लोग ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये होजाई में। और चलिए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग जब भी इस कॉलेज में आएंगे, अगर आप लोगों को कभी एडमिशन हो या कुछ फॉर्म फिलअप करना हो, तो आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन आप लोग आएंगे तो इधर आपका काम हो जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा सुंदर व्यू, अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, देखिए ओके। और इधर से अब आके अगर राइट टर्न लेके थोड़ी आगे निकल के फिर से लेफ्ट टर्न मारेंगे, तो आप लोगों को लाइब्रेरी मिलेगा। ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का कॉलेज का लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब अगर आप लोगों को कभी कभी कुछ किताब आपके पास नहीं होता है ना, तो आप पढ़ सकते हैं दूसरा बुक। ये देखिए ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आइए और ज्ञान लेके जाइए, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। फिर से बैक होके आप लोग फिर से आप लोग राइट मारिए, उसके बाद आप लोग फिर आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा, लेकिन सुन रहा हूँ कि इस जगह चेंज होगा बहुत ही जल्द। और यहाँ से देखिए दूसरा काम भी कर सकते हैं हम लोग, इधर से आप फिर से लेफ्ट मारेंगे तो यहाँ से आप लोगों को दूसरा वो मिलेगा। इधर आप लोगों को यहाँ पर देखिए स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट लेता है उसको यहाँ पर आना पड़ता है, अभी तो बंद है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये कॉलेज, अभी ये तो पुराना था, लेकिन फिर भी इसको भी कलर सर देखिए अभी अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हॉल 5 हॉल 6, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मीनिंग है, ऐसे ही नहीं दिया है। आप लोग जब यहाँ पर पढ़ेंगे, आपका जब आप लोग जिस डिपार्टमेंट में होंगे उस डिपार्टमेंट से आप लोगों को रूटिंग दिया जाएगा, रूटिंग के हिसाब से आप लोगों को मतलब आप लोगों को उस हॉल में जाना है। कभी हॉल 11 हो सकता है, ये मत सोचना आप लोगों को हमेशा हॉल 5 भी होगा। वो देखिए यहाँ पर साइन बोर्ड लगा है कीप साइलेंस, और यहाँ पर कारण का जो है बॉक्स वो दिया हुआ है, और यहाँ पर बोला है कि कुछ टास्क नहीं करना है, क्योंकि लिखते हैं ना। तो दोस्तों मैंने आपको पता था, ये देखिए हॉल 11, तो आपका क्लास कब किस हॉल में होगा इसका कोई गारंटी नहीं, जो आपका रूटीन में दिया जाएगा आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। फिर से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो ऊपर जा सकेंगे, ऊपर भी हॉल है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ बंद है हॉल 15, हॉल बहुत ही हॉल है। और यहाँ से कुछ व्यू पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पर देखिए वॉलीबॉल खेला जा रहा है, बास्केटबॉल खेला जा रहा है, लड़कियों भी एक्सपर्ट है हम लोग का यहाँ का रमना टेगोरी। देखिए बहुत यहाँ का व्यू, यहाँ से व्यू पॉइंट यहीं से दिखाई दे रहा है, तो लड़की मैं और पूछ जाता हूँ। और ये देखिए जो है ना दोस्तों, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ का फील्ड है, मतलब स्टेडियम बनेगा। और देखिए यहाँ पर ऊपर शायद कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन चालू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो इसलिए हॉल नंबर नहीं दिया। चले देखते हैं, ये देखिए अभी बन रहा है, यहाँ पर हॉल नंबर नहीं दिया है, अभी नया बन रहा है ना, तो यहाँ पर हॉल नंबर, यहाँ से और ऊपर से देखिए, और ये अच्छा व्यू दिखाई देगा। चलिए और ऊपर चलते हैं, तो यहाँ से आप देखिए हम लोग का रमना टेगोर यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, फील सील चारों खाने चित। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पॉइंट में आ गया, और इससे ऊपर नहीं है, कोई भी फ्लोर आप देख सकते हैं, किसी भी फ्लोर में नहीं, यही इस फ्लोर का है, इस फ्लोर में हम लोग ऊपर तक आ सकते हैं, यहाँ से आप व्यू पॉइंट ले सकते हैं। और इससे मुझे लगता नहीं कि और कोई होगा इससे बड़ा, देखिए यहाँ का नज़ारा जो है, बास्केटबॉल फील्ड भी दिखाई दे रहा है यहाँ से, और वो देखिए बहुत ही बड़ा फिर टेंडर लगा है, शायद उस टेंडर बहुत दोस्तों दूर है, वो देखिए आप देख सकते हो वो वाला, पता नहीं किस लिए दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ से देखिए बहुत दूर दूर दिखे, ऊपर बहुत ऊपर आ गया हूँ ना मैं, इसलिए बहुत दूर दूर तक दिखाई देगा। और देखिए मैं थोड़ा इधर जाता हूँ, और ये जो है ना दोस्तों, वहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक साइन बोर्ड है, वो देखिए अच्छा से नहीं दिखाई देगा, फिर भी लिखा हुआ है आजमोल लॉ कॉलेज, वो जो है ना वो आजमोल लॉ कॉलेज है दोस्तों, तो वहाँ पर अगर आप लोग लॉ पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और यहाँ पर भी एक आजमोल का कॉलेज है। लेकिन आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग आइए इस रविन्द्रनाथ टैगोर में, यहाँ पर थोड़ा खर्चा भी कम है, और वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग
लड़कियाँ क्या कमाल से खेल रहे हैं वो लोग भी। शायद वो लोग लड़कियाँ भी तो कम नहीं ना हम लोग का हिंदुस्तान में। तो चलिए अभी मैं और दूसरा उधर दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो फाइनल दोस्तों मैं फिर से नीचे आ गया, अभी मैं आपको उस तरफ से ले जाऊँगा, उस साइड ले जाऊँगा, उस साइड आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों का थोड़ा एक व्यू दिखाऊंगा वेट के लिए फ्लावर का, इतना अच्छी तरह से फ्लावर गिर कर देख सकते आप। थोड़ी बहुत गार्डन भी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब गार्डन को दिखा देखते हैं। नेचर का भी आपको शेयर नहीं करते, हमेशा आपको कुछ गुड पॉजिटिव रिजल्ट देती है। इधर से आप आके अगर आपको कभी कभी प्यास लग रहा है ना, पानी पीने का दिल कर रहा है, तो आप यहाँ पर आके इस टैंक में पानी है साइड में आके आप इस यहाँ से आके आप यहाँ पर आके पानी भी पी सकते हैं। देखिए पानी पीने का फैसिलिटी भी है सुनता सबसे। और दोस्तों इधर ये देखिए बॉयज़ कॉमन रूम बोला जाता है, यहाँ पर बॉयज़ लोग आके कुछ डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पर पानी भी है देखिए। और फिर से आप इधर आएंगे तो यहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, हर कुछ देख सकते हैं, लैंग्वेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। यहाँ से देखिए अभी नया नया कॉलेज बना हुआ है। और अगर यहाँ पर एंट्री करेंगे तो ये है हम लोग का, ये देखिए यहाँ पर बोला है डार्क रूम, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हम लोग का डिपार्टमेंट है ये पीसी रॉय क्लासरूम डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के लिए है। और अगर प्रैक्टिकल फिर किया जाए ना तो हम ये देखिए कि चीज़ अच्छी तरह से लाइब्रेरी, ये क्या बोलता है मैगजीन को सजाया गया है। और उसके बाद देखिए केमिस्ट्री लैब है, इस लैब के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, अच्छे से नहीं दिखा पाने हैं ना अभी। और इसके ऊपर जाएंगे तो और बहुत कुछ है, चलिए लोग देख सकते हैं। अभी तो बहुत सुबह है ना, तो इसे अभी तो आलोक से टाइम है, अभी जैसे भी बन रहेगा। तो देखिए ऊपर फिजिक्स डिपार्टमेंट है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बास्केटबॉल का मैदान है, यहाँ पर बास्केटबॉल भी खेला जाता है। और अगर आप लोग कभी आप लोग को यूरिन लगे ना स्पेशली बॉयज के लिए, तो इस रोड होके जाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कल्चरल हेरिटेज नोटिस ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। और यहाँ पर देखिए हिंदी का डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पर भी मैगजीन सजाया गया है। दिस कॉलेज इज फ्री फ्रॉम एनी फ्रॉम तंबाकू बुला, ये बहुत लिखना जरूरी है, लेकिन हर कोई फॉलो नहीं कर रहा इस बात को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट, यहाँ भी मैगजीन सजाया गया है। और ये रूम 23 हॉल पॉलिटिकल, तो और यहाँ फिर से मैगजीन बहुत है। और ये देखिए नया दोस्त, ये भी सोच रहा था अगर मैं इंसान होता तो मैं भी रविंद्र टैगोर में पढ़ता था। और यहाँ से दोस्तों सफ़र ख़त्म, यहाँ से आप लोग यूरिन जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाया है इसलिए कि आप लोग देखकर कुछ आपको मिले, इसलिए। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।